Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. आज मेरठ में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव का रिजल्ट घोषित किया गया है, जिससे पूरी कचहरी में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। ढोल नगाड़ों के साथ नए अध्यक्ष और महामंत्री का स्वागत किया गया। हम आपको बताएंगे आखिर किस वकील ने कितनी वोटों के साथ अध्यक्ष और महामंत्री पद पर कब्जा किया है। उससे पहले देखिए फर्स्ट बाइट टीवी की है रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ जिला बार एसोसिएशन के बाहर, जहां आज वकीलों के अध्यक्ष पद और महामंत्री पद का रिजल्ट आने वाला है। सर, आप जैसे कि वकीलों के अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए थे, आपको कैसा लग रहा है, रिजल्ट किस तरह का आएगा? मुझे पहले से ही उम्मीद थी, जैसे मुझे सभी वकील भाइयों ने मेरा सपोर्ट करा है और मुझे बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करी, मुझे लगता है कि मैं 150 वोट के अंतर से जीतूंगा। अच्छा, ये वकीलों के जो अध्यक्ष पद और महामंत्री पद के चुनाव होते हैं, क्यों कराए जाते हैं? ये जिला बार एसोसिएशन हमारी जो संस्था है, ये वकीलों की भलाई के लिए, वकीलों के हित में कार्य करने के लिए और कोर्ट से संबंधित जितने कार्य हों, अगर उसमें किसी पब्लिक के व्यक्ति को या हमारे किसी वकील अधिवक्ता भाई को कोई भी परेशानी आती है तो उसको दूर करने के लिए हमारा प्रयास ये रहेगा कि वो दूर हो और कोई आगे कठिनाई पैदा ना हो। अच्छा, जो पहले यहाँ पर महामंत्री और अध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसा कौन सा काम है उन्होंने जो नहीं किया और आप उसको करना चाहेंगे? देखो, मैं इस बारे में पिछले संस्था वाले लोगों ने जो भी अध्यक्ष जी रहे या उन्होंने महामंत्री जी रहे क्या करा क्या रहा, मैं उसके पिछली बातों को रिपीट नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि आगे हम सही काम करें और हमें सारा सहयोग वकील भाइयों का, अधिवक्ताओं का मिलता रहे। जीतने के बाद आप सबसे पहला क्या काम करेंगे? थोड़ा जीतने के बाद मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा कि जितनी हमारे पास इस कोर्ट के कैंपस के अंदर जगह बची हुई है, वहाँ पर सरकार से एड लेकर के उसके लिए चैम्बरों की व्यवस्था की जाए और जितने हमारे युवा अधिवक्ता हैं या लेडीज अधिवक्ताएँ हैं या वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिनको चलने फिरने में थोड़ी कठिनाई होती है, उनके लिए चैम्बर की व्यवस्था करते हैं। सर, आपको क्या लगता है, जीतेंगे वकील साहब? बिल्कुल जीतेंगे। जीतने की वजह बताता हूँ आपको। देखिए, जो हमारा पैनल है, इस पैनल में एक बार चुनाव जीतने के बाद कोई रिपीट नहीं होता, दूसरा दूसरी बार उस पद पर कोई चुनाव नहीं लड़ता, पहली बार। दूसरी बात, पिछले 5 सालों से लगातार यही पैनल जीतता आ रहा है, उसकी वजह है कि अधिवक्ता हित में काम करते हैं और अधिवक्ताओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। किस तरह का काम करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, यहाँ पर कचहरी में नेचुरल बात है कि अधिवक्ताओं के हित का काम होना चाहिए, जैसे कि चैम्बर्स, जैसे कि बार और बेंच का सामंजस्य। किसी अधिवक्ता को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कोर्ट में कोई दिक्कत आ रही है, उसके लिए खड़े होते हैं अध्यक्ष सेक्रेटरी। उसके अलावा अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई भी अगर इस तरह की गलत कार्रवाई की जाती है, फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक अपनी पूरी संस्था है और उसका पूरा सहयोग अधिवक्ता भाइयों को देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब आपको बताते चले, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का खिताब शिवदत्त जोशी ने अपने नाम कर लिया है। शिवदत्त जोशी को 418 वोट मिली हैं, जबकि विपक्ष को कुल 377 वोट ही मिल सकी। इसी के साथ महामंत्री पद का खिताब विमल कुमार तोमर ने 487 वोट पाकर अपने नाम कर लिया है, जबकि विपक्ष को कुल 300 वोट पर ही सब्र करना पड़ा। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटिस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।